बात राहुल गांधी की, जिन्हें आज बड़ी राहत मिली। दरअसल सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल को जमानत दे दी। हालांकि राहुल के लिए अभी भी मुश्किल ये है कि उनकी सजा पर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, यानी राहुल की सजा बरकरार है। राहुल की तरफ से 2 साल की सजा के खिलाफ जो याचिका लगाई गई है उस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर राहुल गांधी के सूरत जाने पर फिर एक बार सियासी माहौल गर्म हो गया, क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपील के नाम पर सियासी बवाल खड़ा कर रही है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। राहुल को सूरत के कोर्ट में 13 अप्रैल तक जमानत दी। हालांकि अदालत ने उनकी सजा पर अभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। अब जब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, तभी साफ होगा कि राहुल का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है। आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए, उसको 13th डेट को पोस्ट किया है और 13th को उसकी सुनवाई होगी। 13th तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाई की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। अब जब अगली सुनवाई होगी तब राहुल गांधी का पेश होना जरूरी नहीं है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन आज जब राहुल गांधी सूरत की अदालत में पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस नेताओं का हुजूम दिखा। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कानूनी प्रक्रिया है, शो ऑफ स्ट्रेंथ की कोई रैली तो होने नहीं जा रही। परिवार के सदस्य पर जब ऐसी बात आती तो सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर आते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी, उनके सबसे बड़े नेता पर उन कोर्ट ने अवमानना के नोटिस लिया। उस आधार पर अपनी हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत के MP MLA कोर्ट ने 23 मार्च को सजा सुनाई थी। हालांकि उनकी 2 साल की सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक भी लगाई थी। अब सबके मन में यही सवाल है कि 13 अप्रैल को जब राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई होगी तब क्या होगा। इस बीच राहुल गांधी ने जमानत मिलने के बाद ट्वीट किया जिसमें लिखा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी ने कानूनी लड़ाई की दिशा में आगे कदम बढ़ाए तो सियासत भी पीछे पीछे चली आई। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए। आज जिस प्रकार से वहां पर जो अपील करने वो गए हैं, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब नरसिम्हा राव जी का मामला था तो कांग्रेस नहीं गई, जब चिदम्बरम जी का था मामला तब नहीं गई। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूँ। आज बिल्कुल वैसे लगा जैसे एक ज़माने में कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। आज कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रही है कि राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल। मुझे लगता है कि सारे कांग्रेसी, स्वयं प्रियंका गांधी जी उनकी बहन हैं, लेकिन ये सब मिल करके राहुल गांधी को निपटाना चाहते थे। लेकिन जब उनको समझ में, राहुल गांधी जी की टीम को समझ में आया होगा कि यार ये तो सब निपटाना चाहते, चलो जमानत ले लो। अन्यथा अगर इनको जमानत लेना था तो इतने दिन संसद का समय बर्बाद करने की नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर जमानत नहीं लेना था तो फिर आज जमानत लेने के लिए पूरा कुनबे बहुत दलबल के साथ जाना सूरत में, क्या न्यायालय पे दबाव बनाना चाहते हैं। सियासत एक तरफ और राहुल गांधी के भविष्य से जुड़े सवाल दूसरी तरफ, क्योंकि राहुल गांधी को 24 अप्रैल से पहले पहले सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है। यही नहीं, अगर कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो राहुल की पूरी राजनीति पर ही पूर्ण विराम लग जाएगा। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सब कुछ सुनियोजित तरीके से करवा रही है। अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर JPC बिठाए और JPC के तौर से इसकी तनख्वाह
जाने इंक्वायरी हो। राहुल गांधी के सामने अभी कई रास्ते खुले हैं, हालांकि वक्त कम है और इसी कम वक्त में राहुल को अपनी लड़ाई जीतनी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।